तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन कार्निवल मतलब मेला चालू होने वाला है, सेल है जो कि 8 तारीख से चलेगा, यानी परसों से। एक्चुअली कल रात 12 बजे से ही चालू हो जाएगा, तो परसों ही कह लो, और चलेगा ये 12 तारीख तक, यानी 4 दिन चलेगा ये सेल। और बहुत सारे स्मार्टफोन है जिनके ऊपर डील आई हुई है, कुछ कल भी ऑफर ओपन होंगे, फिर परसों जैसे आएगा वैसे ही सारा सेल चालू हो जाएगा। लेकिन मैंने पिक किया है 10 ऐसे स्मार्टफोन डील्स जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो पिछले वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो डील्स उतने अच्छे नहीं है उसको क्यों आप करते हो टाइम पास, तो मैंने कहा ठीक है चलो 10 स्मार्टफोन डील्स जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले क्या ऑफर्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट ऑफर पे जाना तो मैं यहाँ पे शायद टाइमिंग दे दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा कहूंगा कि आप लोग पूरा पहले देखो कि क्या क्या ऑफर्स हैं, तभी आपको उनका पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आपको 10% डिस्काउंट है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट 1250 का ही है, मतलब या तो 1250 या फिर उससे कम 10% डिस्काउंट ले पाओगे। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों पे है, तो अगर आपके पास ATM भी है तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे फोन है जिनके ऊपर प्रीपेड वाला भी ऑफर है। अब प्रीपेड वाला ऑफर के लिए साइड में लिस्ट दे रहा हूं, इन बैंक्स के कार्ड्स अगर आपके पास है डेबिट और क्रेडिट दोनों, तो आपको प्रीपेड वाले ऑफर्स मिल सकते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है कार्ड से पे करना, लेकिन सारे कार्ड्स नहीं, ये जो बैंक के कार्ड्स है ना इनसे पे करोगे तो ही प्रीपेड वाला ऑफर मिलेगा। और एक्सिस बैंक के कार्ड से करोगे तो प्रीपेड वाला और 10% दोनों मिल जाएगा, यानी डबल डिस्काउंट। तो एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आपके लिए तो चांदी चांदी है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक और चीज बता दूं कि इसमें आपको एक्सचेंज ऑफर से लेके EMIs वाले ऑफर से लेके सारी चीजें जितने भी ऑफर्स होते हैं वो नो कॉस्ट EMI सब मिलने वाला है। देखना चाहते हो उनकी तरफ भी देख सकते हो। 10 स्मार्टफोन की डील वीडियो में बताने वाला हूं। चलते इसी वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। चलते इसी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। 10 डील मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, उन्हें के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फोन की बात करें तो यह है पोको X3। इसका 6GB 64GB 15,000 में आएगा। मुझे मालूम है यहाँ पे 14,500 लिखा है, लेकिन उसके आगे स्टार भी है, दिख रहा है वो स्टार, मतलब उस पर टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी अगर आप प्रीपेड करोगे तो 500 का ऑफ होगा, तो 14,500 में आएगा। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के कार्ड से प्रीपेड करोगे तो 1250 और 500 यानी 1750 का ऑफ हो जाएगा, तो ये स्मार्टफोन आपको 13,250 तक आ जाएगा। उस प्राइस के हिसाब से किलर डील है, देख सकते हो। दूसरे फोन की बात करें तो रियलमी 7 है, 15,000 में आ रहा है। इसके ऊपर 1,500 का प्रीपेड का ऑफ है और 1250 कार्ड का, यानी 2,750 का ऑफ डायरेक्ट मिल रहा है, यानी स्मार्टफोन आपको 12,250 में मिल जाएगा अगर आप एक्सिस बैंक के कार्ड से स्वाइप करते हो। तो तीसरे फोन की बात करें तो रियलमी C12 है, प्राइस इसका 8,500 होने वाला है, 500 रुपए इसके प्रीपेड का ऑफ होगा और 850 कार्ड भी मिलेगा, तो आपको 500 और 850 यानी 1,350 ऑफ हो जाएगा, 7,150 में स्मार्टफोन मिल जाएगा। अगर आपका बजट 7,500 के आसपास का है और आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो डील सच में अच्छी है, देख सकते हो इसकी तरफ। अगले फोन की बात करें तो है पोको M2 प्रो। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, 13,000 प्राइस फिलहाल अभी है, सेल में आपको 12,000 में आएगा। इसके ऊपर प्रीपेड वाला ऑफ तो नहीं है, लेकिन एक्सिस बैंक के कार्ड से करोगे तो 1,200 का ऑफ हो जाएगा, 10,800 में किलर डील है। लिटरली इसकी तरफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये टक्कर देगा Redmi Note 10 को जो सुपर एमोलेड पैनल के साथ है। परफॉर्मेंस चाहिए तो ये वाला ले लो, और सुपर एमोलेड चाहिए तो Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो। अगला स्मार्टफोन है Narzo 20 Pro, ये भी बहुत अच्छी डील है, देखना चाहते हो देख सकते हो, 14,000 में आएगा। कार्ड लगाओगे तो 1,250 का और ऑफ हो जाएगा, 12,750 रुपए में मिल जाएगा, और डील उस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। देखना चाहते हो Narzo 20 Pro की तरफ देख सकते हो। अगले स्मार्टफोन की तरफ चलें तो Realme 7 Pro है, 20,000 में आ रहा है। इस पे दो, अभी इसका प्राइस नहीं पता सेल में कितना आएगा, एक्चुअल प्राइस तो 20,000 है, लेकिन इस पे प्रीपेड ऑफ के बाद ही 18,000 में आएगा, यानी जो 18,000 प्राइस लिखा है ना वो प्रीपेड ऑफ के बाद है, यानी प्रीपेड करोगे तो ही 18,000 मिलेगा, और कार्ड लगाओगे तो 1,250 जो एक्सिस बैंक का है तो और मिल जाएगा 1,250 ऑफ, तो ये करीब करीब 16,750 में मिल जाएगा। देखना चाहते हो अच्छा स्मार्टफोन है, देख सकते हो इसकी तरफ। मैं कहूंगा कि इससे बेटर ना Redmi Note 10 Pro है ना, वो भी अच्छा है, दोनों का कंपेरिजन देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। अगले स्मार्टफोन की बात करें, अगर आपको 25,000 के नीचे बीस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, मतलब ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन जो सबको टक्कर दे दे खत्म कर दे, तो iQOO 3, ये स्मार्टफोन 25,000 में सेल में आने वाला है, और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1,250 का और ऑफ हो जाएगा, स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, किलर डील है लिटरली, देख सकते हो 23,750 में मिल जाएगा, 25,000 में भी अच्छी डील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, बहुत अच्छी डील है लिटरली, सुपर एमोलेड पैनल, 50 वाट का चार्जर, बहुत सारी चीजें भर भर के मिलती है। चलिए अगर आपको 5G फोन अंडर 20,000 चाहिए मोटो की तरफ से, जिसमें सबसे ज्यादा बैंड्स हो, तो मोटो G5G की तरफ देख सकते हो, 21,000 प्राइस है,
इसके ऊपर 2000 का एक्सचेंज ऑफर है, यानी स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हो तो जो आपके स्मार्टफोन का प्राइस हो तो मिलेगा ही, 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर एक्सिस बैंक के कार्ड से पे करते हो तो 1250 और ऑफ हो जाएगा, तो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन 17750 तक आ जाएगा। देखना चाहते हो अच्छा है 5G स्मार्टफोन, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। गर्मी जो है मुंबई में थोड़ी सी बढ़ गई, इसलिए स्वेटिंग का थोड़ा इशू है, उसके लिए माफ कर देना। चलिए कोई बात नहीं, अगला स्मार्टफोन Realme 6 6GB 64GB 13000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1250 का ऑफ हो जाएगा, तो ये भी आपको 11750 तक मिल जाएगा। G90D का चिपसेट है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 11750 के आसपास अगर देखोगे तो अच्छी डील देख सकते हो। लास्ट फोन, अगर आपको बीस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए सारी चीजों के साथ, ट्रिगर विगर सब कुछ, आपका बजट 42000 के आसपास है, तो ROG फोन 3 को देख सकते हो, 865 प्लस का चिपसेट है, कैमरास भी अच्छे हैं, बैटरी भी धमाकेदार है, सब कुछ है, 44000 का आ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 1250 का ऑफ हो जाएगा, 42750 मिल जाएगा। उस प्राइस के हिसाब से अगर आपको 20 गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो मैं रिकमेंड करता हूं ROG फोन 3 को दोस्तों। जैसे मैंने कहा और भी बहुत सारी डील्स हैं, उनकी तरफ भी देख सकते हो, कल भी कुछ ऑफर्स रिवील होने वाले हैं, तो उनका वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा ऑफर्स रिवील हुए हैं तो पार्ट 2 भी इसका बना दूंगा, वेट करना उनका। ये 10 डील्स मेरे हिसाब से अभी तक सबसे अच्छे हैं, कौन सा वाला आपको अच्छा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लगे मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियो भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टे में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कहना चाहते दोस्तों। जय हिंद।